प्लस पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है इसका वो ये है कि इनका पाए का साइज बहुत बड़ा है। असलम पीछे शोरबा ले आके यार पा दे। ये जो ना ये नली है, ये साथ में जो ना ये खत की लाल बोटी है, ये वाली खत की लाल बोटी है और ये पाए की बोटी लक्ष्य है। माशाल्लाह मैंने पकड़ा हुआ है, आप मेरे इसका साइज देखे जी जी। ये देखे ठीक हो माशाल्लाह, ये देखे कहाँ तक। अच्छा इतना बड़ा पाया आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? ओ यार अच्छा स्किन मोटी है यार बड़ी, मतलब सही हेल्दी वाला पाया है ये। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सुपरली अमेजिंग एंड डिलीशियस वीडियो वंस अगेन। दिस इज साकिब मुबीन और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर मैं मौजूद हूँ इस वक्त बाइक के ऊपर और इस वक्त हम जो है दो पाए कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि कंसीडर किए जाते हैं बेस्ट पाए हैं लाहौर के अंदर दोनों। कुछ लोग कहते हैं कि ये बेस्ट हैं, कुछ लोग कहते हैं वो बेस्ट है। एक पॉइंट है मनों का जो कि हम अभी कवर करने जा रहे हैं। तकरीबन 4 बज रहे हैं इस वक्त, हम वहाँ पर जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि हम वहाँ 5 बजे पहुँचेंगे, 5:30 बजे पहुँचेंगे तो वहाँ पर सिर्फ उनके पतीले मिलेंगे वो भी धुले हुए, तो वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसका दूसरा पॉइंट है अल टेंपल रोड के ऊपर अल सेहत कॉर्नर के नाम से, जो कि मशहूर है हनीफे के पाए के नाम से, वहाँ पे उसको कवर करेंगे। ये दोनों पॉइंट जो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। उसके अलावा एक प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाना है, आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपके पास लोहे का मैदा है, आप लोग आप क्या खाते हैं, इतने स्मार्ट रहते हैं। एक प्रोडक्ट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ जिसको खा के आप भी फिट रह सकते हैं। अभी पहले पॉइंट पर चलते हैं मनु के पास सुल्तानपुर के अंदर, पहले आपको उसकी लोकेशन समझाएंगे फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अभी वहाँ पहुँच के मैं आपको उसकी लोकेशन समझाता हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा इस समय 4:30 बजे का टाइम है और ये मुझे कह रहे हैं कि आप लेट हो गए, फिर से काम खत्म हो रहा है। इससे मैं आपको रश दिखा दूँ यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, और तकरीबन काम इनका खत्म हो चुका हुआ है। ये मनो के नाम से पॉइंट मशहूर है शहर। ये जो रोड है ना ये सामने आ रहा है मिस्त्री शाह वाली साइड से, जब आप मिस्त्री शाह से आगे आते हैं ना तो आपके जब आप चमड़ा मंडी की तरफ जाएंगे तो आपके लेफ्ट पे एक मस्जिद आती है, वहाँ पे एक वी बनता है, वी से आप लेफ्ट हो जाएंगे तो सीधा आगे आएंगे तो इस रोड पे आ जाएंगे। वैसे इसकी लोकेशन जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सुल्तानपुर का एरिया कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे भी नाश्ता चल रहा है, गाड़ी के अंदर भी नाश्ता चल रहा है, इधर भी नाश्ता चल रहा है और यहाँ पर नाश्ता बिक रहा है, वहाँ पर भी नाश्ता चल रहा है। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र माशाल्लाह। ये पाए मैं आपको इसी के लिए आपके लिए तैयार कर रहा हूं। अच्छा जी माशाल्लाह। मैं आपने मुझे कहा 3:30 बजे आना पिछले देखे ना 4:30 हो गए, मैं असल में उठा ही 3:30 हूँ, इतनी जल्दी नाश्ता करने की आदत, बस 10 पाए रह गए हैं। वैसे टोटल कितने लगाते हैं आप? यार ए भाई तो डब्बा पिया आई 400 पाए लगाते हैं, सिर्फ 10 रह गए हैं। ये घंटे में आपने आप शुरू कितने बजे करते हैं? 3:30 बजे आपको बताया, घंटे में आपने उड़ा के रख दिया माशाल्लाह से। सही, आपका नाम? शहबाज। ये खाद की बोटी है? ये खाद ठीक हो गया। ये कितने का एक पाया? पाया 700 का, 600 का, अच्छा 800 का भी है। ये जो आपके सामने पड़ा हुआ फुल साइज, ये 800 का है? ये 800 का ठीक हो गया। अच्छा इसमें 700-800 में आगे पीछे वाले का फर्क भी होता है? जी 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 वही होता है, वही फर्क है। ठीक है 3:30 बजे शुरू करते हैं और खत्म कितने बजे तक हो जाता है? खत्म का कोई टाइमिंग नहीं है, इधर ही रख दें यार जरा। अच्छा ठीक है माशाल्लाह जनाब, ये पतीला मेरे हाथ भरा होता होगा, ये निशान से नजर आ रहा है काफी भरा हुआ पतीला था, खत्म हो गया। सन 71 की जंग लगी थी वो, तब मेरे वाले साहब क्लीनो का काम करते थे। क्लीनो का काम करते थे? जी जी जी। अच्छा वो क्लीनो का काम करते थे, वो उस वक्त खत्म हो गया, जंग बंद हो गया जंग की वजह से, और फिर उन्हें को ये शौक पड़ा। अच्छा वो तब का स्टार्ट है। सही सही। तो खाद की बोटी कितने की देते हैं इसकी प्लेट? 600 रुपए की। और मगज? मगज 500 का, जुबान 500 की, जुबान मगज 500। ये पूरे हमारे जो पतीले थे जिनमें 400 में उनमें से ये जॉइंट पाए हैं। अच्छा माशाल्लाह मैंने पकड़ा हुआ है, आप मेरे इसका साइज देखे जी जी। ये देखे ठीक हो माशाल्लाह, ये देखे कहाँ तक। अच्छा इतना बड़ा पाया आप कहाँ से ढूंढ के लाते हैं? ये मैंने सुना। अच्छा मैं आपको पहले दफा आया हूँ,
लेकिन मैंने आपके बारे में ये सुना कि आपका पाए का साइज हमेशा बड़ा ही होता है, आप छोटा बड़ा चुन के लाते हैं जी। तो हमने कसाईयों के पास ना लोगों ने पैसे ना कसाईयों के देने हैं। अच्छा, कसाईयों ने हमारे पैसे नीचे लगाए हुए, किसी के पास हमने 5 लाख दिया हुआ, किसी के 10 लाख, मतलब 70-75 लाख ना इन्वेस्ट हुआ हुआ, ये उस वजह से सामान आता है। ये ले यार, नहीं भाई 300 वाला हो यार, फैमिली वगैरह आती है वो बाहर बैठते हैं फिर सारे। जी जी जी, सिटिंग के लिए बाहर ही है, सिटिंग ओपन ही है यहां, वैसे कोई फैमिली हॉल नहीं है आपके पास। अच्छा, ये हफ्ते में कितने दिन खुली रहती है दुकान आपकी पाए के लिए? पाए के लिए होते हैं जुमा, हफ्ता, पीर, मंगल और बुध, जुमेरा बेसिकली मंडी बंद होती है। उस दिन चने होते हैं, देसी मुर्गा और चने होते हैं। अच्छा, मैंने सुना वो भी बड़े कमाल के आपके। जी जी जी, वो भी आएगा, विजिट कीजिएगा जरूर इंशाल्लाह। तो इतवार को छुट्टी करते हैं आप? जी जी, वो पीछे लिखा वो आप बैनर पर देख लीजिएगा। अब वड्डा पावा पैक कर, ये पाया हमारा रह गया है, इसे बनवा लेते हैं वरना। अच्छा, ये गर्म करने के लिए शोरबा निकाल के वापस डालेंगे? जी जी जी, ये सही है, अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, ठीक होगा। अच्छा, एक पाया करना सिंगल, डबल नहीं, एक पाया। ये माशाल्लाह एक ही पाया वो। अच्छा यार, दो सही है, ठीक है, वो देख रहे वैसे दो लग रहे हैं, मैंने इतना बड़ा बकरे का पाया इकट्ठा कभी देखा नहीं ना, इसलिए कह यहाँ पे ना एक चीज मजे की ये भी है कि ये जो है ना कॉर्नर के ऊपर इनकी दुकान है, अगर आपका इसके बाद लस्सी पीने का दिल करता है तो यहाँ से आप लस्सी भी पी सकते हैं। और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि बिल्कुल इसकी बैक साइड पे ये छोटी सी शॉप है, यहाँ पे आपको ताजे नान मिल रहे हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह ताजे नान, अब आए लाइट नहीं आ रही है, आपका ऑर्डर की है बहुत है, लाइट खुद कम रखी हुई आपने 58 साल ना की थोड़ा शफीक साहब। अच्छा जी, 100 कसाईयां दी जान खिंच के लैके आंदा है। अच्छा, अगर जेड़ा कसाई 100 बकरा करदा ना, ओदे च इहने 10 सिरी पावे जोड़े कट के ले वड्डे साहिब दे चुन के जां सौदा चुन के ले, जिन्ना च मिख भी होंदी है और उहनां दे जेड़ा साफ करके भेजना सो भेजना है। इहने आप बाद इहने घर कारी कर लाया। अच्छा, साफ कर लिया, 500-600 रुपया उहनूं देणा है कि इहनां नूं अच्छी तरह साफ करेगा, कोई बाहर पहुंचा जी चीज। ताज़ा नान साथ वाली दुकान से आया है, पहले ये पाया चेक करो आप, इसका साइज़ इतना बड़ा है, मुझे लग रहा था कि दो पाया है लेकिन सिंगल पाया है ये, और जो इतने बड़े साइज़ का है। इसके बारे में मैंने ये सुना कि इनका जो पाया है ना ये थोड़ा पकाते हैं लेकिन अच्छा पकाते हैं, सुथरा पकाते हैं। पहले सिंपल शोरबा ट्राई करते हैं, उसके बाद जो है इसका हम बोटी ट्राई करेंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह व अला बरकत, एक होता है पाए का शोरबा जिसमें एसेंस होता है बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा ना इसके अंदर इसकी यखनी का फ्लेवर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है, पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे लग रहे जैसे पायों की यखनी बनाई होती है। इसके हम एक स्किन की बोटी उतारेंगे। अच्छा, स्किन मोटी है यार बड़ी, मतलब सही हेल्दी वाला पाया है ये। अच्छा, हम डिप करेंगे शोरबे के अंदर ये चीज़, इसका सारा फ्लेवर पाए की बोटी के अंदर है, पाए की शोरबे के अंदर इसका फ्लेवर नहीं है, शोरबा थोड़ा सा पतला है, उसमें पाए का अपना फ्लेवर है ना भाई, वो बहुत कमाल का, अच्छी तरह से मसाले जो भी लगाए हैं सारे से अच्छी तरह गए हुए हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि पाए का सिंपल सा फ्लेवर आता है, ऐसा नहीं है, पाए का अपना जो फ्लेवर है वो भी आ रहा है और साथ में थोड़े से मसाले जो इन्होंने ऐड किए हैं वो भी इसके अंदर आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ है भाई। ये जो जानवर है ना ये हेल्दी जानवर है, हेल्दी जानवर का पाया है, इसमें सारे जो पैसे हैं ना भजन आपको ये इस पाए की बोटी के पैसे हैं, इस पाए की बोटी के इसके जो फ्लेवर है ना सारे का सारा वो इस पाए के अंदर है, शोरबे के अंदर कम है, शोरबे में थोड़ी सी मिर्चें हैं और हल्का सा फ्लेवर है। लाहौर में जो पाए मिलते हैं ना दो, एक ये और एक नीफे के, ये दोनों पाए के दौरान जंग चलती रहती है, वो भी चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। अब सिर्फ मगज़ चल रहे हैं, मगज़ और खाद भी ख़त्म हो गई इस टाइम। अच्छा, सारा सामान ख़त्म हो गया है, ये देखो 5 बजे 10 मिनट हो रहे हैं और ये काम खलास।
ख़त्म, टाटा बाय बाय दी एंड। अच्छा यार, इसके बारे में ना मैं आपको बता दूँ, इसका जो शोरबा है ना बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट नहीं है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा गाढ़ा थिक शोरबा नहीं है। शोरबे के अंदर फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा नहीं है पाएगा। शोरबे के अंदर जो एक्चुअल फ्लेवर है सारे का सारा, वो सारे का सारा है मसालों का और ज़ीरे का, और जो भी मसाले इन्होंने इसके अंदर यूज़ किया, लाल मिर्च, काली मिर्च से ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल इन्होंने ज़्यादा किया है उसके अंदर। लाल मिर्च का मिर्चों वाला शोरबा ये, और पतला शोरबा। और दूसरी बात यह है कि जो फ्लेवर है ना सारे का सारा, वो पाए की बोटी के अंदर है। प्लस पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है इसका, वो ये है कि इनका पाए का साइज़ बहुत बड़ा है, पाए की बोटी के अंदर फ्लेवर बहुत ज़्यादा है। पाए के अंदर ऑब्वियसली चिपचिपाहट होती ही है, वो चिपचिपाहट पाए वाली इसके अंदर है। पाया इन्होंने बहुत साफ़ सुथरा साफ़ किया और इस तरीके से पकाया हुआ है। अगर आपको एक अच्छे साइज़ का पाया चाहिए ना, अच्छे साइज़ का फ्लेवर वाला पाया चाहिए, आप पाए की बोटी खाने के शौकीन हैं शोरबे से ज़्यादा, तो आप ये आगे इनसे आगे ट्राई कर सकते हैं। अभी ये इसके बारे में मेरे रिव्यूज़ इतने ही हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद थोड़ा सा कंपैरिजन हम इसका कर लेंगे कि कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है। अभी घर चलते हैं, आपको वो प्रोडक्ट दिखाता हूँ, वो चीज़ दिखाता हूँ जो कि आपके मैदे को, आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपकी शुगर को और जोड़ों को और बहुत सारी चीज़ों को ठीक रखेंगे इंशाल्लाह। वो चल के वो दिखाता हूँ आपको, और फिर थोड़ा सा रेस्ट करके नमाज़ पढ़ के फिर हम जो है हम जाएंगे हनीफे के पास नाश्ता करने के लिए। अच्छा यार, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप इतना फिट कैसे रहते हैं, इतना खाने के बावजूद मोटे क्यों नहीं होते, और आपने क्या लोहे का मैदा लगवाया हुआ है। मैं यूज़ कर रहा हूँ मोरिंगा पाउडर। ये मोरिंगा पाउडर के कैप्सूल्स हैं, इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ मोरिंगा होता क्या है। मोरिंगा एक्चुअली इंग्लिश में बोलते हैं सुहांजना को। सुहांजना के बारे में कहा जाता है कि ये एक तलिस्माती पौधा है। इस अकेले पौधे के अंदर 18 अमीनो एसिड्स, 92 विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स और 46 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके वैसे बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन गिने चुने बेनिफिट्स जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, एंजाइटी, आईसाइट प्रॉब्लम, एस्थमा प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, वेट लॉस और जॉइंट प्रॉब्लम। ये आपके लिए एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर के तौर पे भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, सल्फर, कॉपर मौजूद है। सुहांजना सारा साल हर किसी को इजीली अवेलेबल नहीं होती, तो इसका बेहतरीन हल यह है कि आप इसका पाउडर बना के, इसका सफूफ बना के अपने पास रख लें। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ओजी फैक्टर गॉट यू कवर्ड। 80 कैप्सूल्स की ये बोतल आपको मिल जाएगी ओजी फैक्टर्स की वेबसाइट से। उनकी वेबसाइट का लिंक, उनके इंस्टाग्राम पेज का लिंक और उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी बीमारी के लिए नहीं है। ये एक मल्टी विटामिन के तौर पे, एक न्यूट्रिएंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। आई रिकमेंड मोरिंगा फ्रॉम ओजी फैक्टर्स। मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि आप इसको यूज़ करना शुरू कर दें। आप यकीन करें, आप इसको यूज़ करने के बाद मुझे खुद भी दुआएं देंगे कि आपको अच्छा मशवरा दिया था मैंने। अच्छा जी, अभी हम जा रहे हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि है हनीफे के पाए। लाहौर के अंदर सबसे अच्छे पाए वही कंसीडर किए जाते हैं, अगर मनु के नहीं है तो। ये दो तरह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये ज़्यादा अच्छे हैं। अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, उसकी लोकेशन मैं आपको वहाँ पहुँच के समझाता हूँ, और फिर उसके बाद जो है हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो सामने रोड है ना, सामने आ रहा है सफा वाला चौक से। ये सामने सफा वाला चौक है, सफा वाला चौक से जो आप आएंगे टेम्पल रोड के ऊपर, तो आगे आप जाएंगे, इधर जाएंगे आप इस मार्केट की तरफ को, राइट साइड पे थाना आता है, उसके बिल्कुल सामने ये है यूनिक बेकरी, तो बिल्कुल साथ अल सेहत गार्डन। ये पॉइंट है जी, इनके पास चलते हैं, इनके पास जाकर पाए चाय ट्राई करते हैं। साकी भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, हमारी फैमिली भी देखती है। ये ठीक हो गया। आपका नाम क्या है? अदन। अदन अदन ओ माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? रमीज मसूद। रमीज मसूद, यार ये दोनों मुझे कहते हैं मैं साथ वीडियो में ले लो। आप लोग वीडियो में आ गए हो, ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप सब देसी मुर्गा तो खा गए थे, लेकिन असल जो चीज़ जिसकी वजह से आप मशहूर है ना, वो आज हम ट्राई करने आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लोग कितने में शुरू करते हैं सुबह ये? साकी भाई अपना जो टाइमिंग है वो फजर की अजान के वक्त होती है, लेकिन आजकल अजाने 5:15 हो रही हैं, तो हम लोग तकरीबन 4:45 बजे शुरू कर देते हैं। अच्छा, 4:45 पे शुरू हो जाते हैं। वो कब तक चलता रहता है आपका ये नाश्ता वगैरह? ऑलमोस्ट तकरीबन आजकल जो हालात चल रहे हैं भाई, 11:30 बज ही जाते हैं, 11:30 हो जाते हैं। ये खाद है जी भाई, ये खाद है और ये पाए, ये खाद है, ये जुबान है, ये जुबान है और ये पाए है। कितने का पहला पाएगा? 550 का होता है, उसमें दोनों पाए होते हैं पिछली टांग के। अच्छा, वैसे पिछली टांग का पाया होता है 300 का एक, तो हम उसमें दो पाए रखे तो 50 रुपए कस्टमर को डिस्काउंट दे देते। 550 के दो पाए, दो पाए पिछली टांग, ठीक है। अगली टांग के नहीं होते? अगली टांग का जो है वो 400 रुपए का है। सिंगल पाया? वो सिंगल पाया। अच्छा आदमी, जिस तरह आपका देसी मुर्गे के अंदर आपका सिस्टम होता है कि एक बोटी होती है, छोरबा थोड़ा होता है, इसमें भी ऐसी है? हाँ जी, इसका लेकिन इसका देसी मुर्गे से थोड़ा ज्यादा होता है, छोरबा थोड़ा ज्यादा, उसको तो हमने बिल्कुल ही ऐसा भुना हुआ होता है ना उसे। हाँ जी, इसमें जरा थोड़ा सा शोरबे की जरा क्वान्टिटी रखते हैं हम लोग, ठीक हो गया। मगर वो सिस्टम नहीं होता कि बाउल भरा हो और बीच में बोटी ढूंढनी पड़े, हमारा उस तरह का सिस्टम नहीं होता। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमने साकी भाई जो शोरबा है ना वो बिल्कुल प्योर यखनी का बनाना होता है। अच्छा, इसमें हम पानी वगैरह कोई ऐड नहीं करते। हाँ जी,
वो यखनी का तो फिर वो उसी हिसाब से ही होता है ना मसाले। अल्हम्दुलिल्लाह वही दादी अम्मा वाली रेसिपी के ना आपका सीना जलेगा ना वो हजम होने में कोई मुश्किल होगी। आप इधर से खाएं दो तीन घंटे बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। असलम पीछे शोरबा ले आके यार पा दे। इसमें भी कुछ जगह सिस्टम है? हाँ जी, वो पैकिंग के लिए तो ऑलमोस्ट वो चलता ही है ना। कुछ कितने पाए होते हैं? वो जो सबसे बड़ी पैकिंग है ना उसमें होते हैं 20 पाए। ठीक है, लेकिन हम लोग उसमें क्वांटिटी कम ही रखते हैं ताकि शोरबा की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर 15 पाए का आ जाता है, फिर 10 पाए का आ जाता है, फिर 5 पाए का आ जाता है, इस तरह से। अच्छा खासा रश लगा हुआ, लेकिन इनका टाइम भी है कि आपको सुबह के टाइम में, मतलब दिन दिन के टाइम में जब रोशनी तब आपको ये मिल जाएंगे, इसलिए आपको सुबह सुबह रात में आने का अंधेरे में आने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ये सिस्टम है, दूसरा है कि इनके पास इसके बाहर ना इन्होंने खुद लस्सी लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है? ये असल आप हैं जी असल में हनीफ अंकल, माशाल्लाह से ठीक। आपने कब शुरू किया था ये अंकल? 1962 में। ठीक है ठीक है। अच्छा पहले आप खुद बनाते थे, अब आतिफ भाई बनाते हैं? हाँ, पहले मैं खुद बनाता था, मेरा बेटा बनाता है। अब आतिफ भाई बनाते हैं, सही हो गया। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने लस्सी भी रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? लस्सी का क्या, कितने का ग्लास है? 110 का। 110 का ऐसे ही हिला हिला के? अच्छा ठीक है, ये छोटा ठीक हो गया। 110 एक ही रेट है, एक ही ग्लास है। ठीक है, और ये लस्सी कब तक मिलती है? ये काम के साथ वही, जब तक सांस है तब तक चांस है और जब तक पाया है तब तक लस्सी है। सही हो गया। और इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे तंदूर है, ये अलसेहत नान शॉप पर आप लिखेंगे तो आपको ये मतलब गूगल पे लोकेशन जो है ना वो इसकी मिलती है, इसकी शायद नहीं मिलती, इसकी मिल जाती है अलसेहत नान शॉप की। तो नीचे इनके पास जो है ताज़े नान यहाँ से लग के आ रहे हैं और ये सारा सिस्टम इनके पास ऐसे चल रहा है यहाँ पर। इसने के बारे में एक चीज़ ये है कि ये प्रॉपर फैमिली प्लेस है, प्रॉपर रेस्टोरेंट बना हुआ, प्रॉपर एक डाइनिंग प्लेस है। आप यहाँ पे फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, आप यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। पीछे बहुत ज़्यादा जगह है, यहाँ पे दिन के टाइम आपको यहाँ पे आना है, रोशनी के टाइम आना है, आपको बहुत जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। आप 7-8-9 बजे उठ के भी यहाँ पे आ सकते हैं, आपको खाना छाना मिल जाएगा। अच्छा ये हमारे सामने नाश्ते का आगे ये नान, इन्होंने स्पेशल छोटे नान लगवाए हैं, साइज़ चेक करो, नान का बहुत छोटा नान है, प्लेट से भी छोटा है। इसको ट्राई करते हैं, इसकी पहली बाइट लेते हैं, पहले सिंपल वही शोरबा ट्राई करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह जो है इसको अगली बाइट हम बोटी की लगा के इसमें ट्राई करेंगे। जी है सिंपल वाला शोरबा डिप करते हैं इसको। यार ये देखने में ना मुझे उससे बहुत बेहतर लग रहे हैं, पानी को पका पका के जो उसका एसेंस है ना सारा वो इसके अंदर, इसलिए गाढ़ापन भी इसके अंदर है। इसको ट्राई करते हैं, उसमें आला बरकत वही हो गया। ये इतना गाढ़ा है कि ऐसे लग रहा है इसमें ना अड़ा रोड डाल के इसको गाढ़ा किया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका अपना जो एसेंस है ना वो पायो का एसेंस, पायो का सारा फ्लेवर इसके अंदर है। ये चीज़, ये जो पाया है ना, पाया छोटे साइज का पाया है लेकिन गला प्रॉपर हुआ है इसकी, मतलब सही जली वाली जिस तरह मोटी होती है वो है। जो इसके अंदर ऊपर उन्होंने गर्म मसाला डाला था ना, वो अच्छी किक दे रहा है, वो अच्छी हीट दे रहा है जबान के ऊपर जब भी वो आता है। अगर आप मज़ीद ऐड करना चाहें, अगर उन्होंने एक्स्ट्रा साथ दिया हुआ है, आप साथ डाल के इसके किसी भी टाइम इसको ऐड करके इसका फ्लेवर इन्हांस कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। बहुत ज़्यादा मसालों का फ्लेवर नहीं आ रहा इसके अंदर। दूसरी जो चीज़ है ना उसके अंदर ये है कि जो शोरबा है ना, इसका शोरबा बहुत ज़्यादा थिक है, शोरबा प्रॉपर यखनी वाला गाढ़ा शोरबा है। इसके अंदर पानी डाल के इसको पतला नहीं किया हुआ और पाए की जो बोटी है ना बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से वो गली हुई है। और अब इसका पाया साइज के अंदर छोटा है लेकिन पकने में खूब रही है, तो जो प्रॉपर फ्लेवर बन रहा है ना वो बहुत डिफरेंट है। तो आम जो पाए के आपको सालन मिलता है ना बाज़ार से, आम जो पायो की पायो का सालन मिलता है उससे हटके है, शोरबा नहीं है ये, एक सालन बना हुआ है। इन्होंने ना कुछ स्पेशल प्लेट हमें बना के दिया, पता नहीं इन्होंने क्या क्या डाला इसके अंदर। ये जो है ना ये नली है, ये साथ में जो है ना ये खत की लाल बोटी है, ये वाली अच्छा खत की लाल बोटी है और ये पाए की बोटी अलग से है। नाउ लेट्स टेक एन ऑप्टिमम बाइट जी। यहाँ से हम लेंगे ये थोड़ी सी नली आ जाएगी, ये थोड़ी सी इसके ऊपर जो है लाल बोटी आ जाएगी, ये जो है थोड़ी सी इसके ऊपर पाए की बोटी आ गई। इसको शोरबे अंदर डिप करते हैं जी। यार इनका पाया तो पाया, लेकिन जो इनकी लाल बोटी है ना और साथ में जो नली है वो बहुत कमाल है भाई। ये लाल बोटी साथ थोड़ी सी यहाँ से नली लेंगे।
नली है या क्या है, मुझे लग तो नली रही है देखने में, नली ही होगी। इसमें अभी तक पाए को ना ऐड करें, ये बहुत घुमा की चीज़ है। अच्छा यार मैं ना ये खा लूँ, मैंने आपको बताया कि ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी है तो भी, अगर नहीं है तो भी, इसके बारे में बहुत किस्म के सारे फ़ायदे वैसे आपको मैंने बता दिए हैं। अच्छा अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए ना, मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली सीटिंग भी अवेलेबल है और यहाँ पे जो है वैसे सीटिंग भी अवेलेबल है, दिन के टाइम आपको ये मिल जाता है, प्राइस भी कम है उसके नस्बत, और गाढ़ा है फ्लेवर जो है शोरबे के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर है। जो बोटी मैं खा रहा था ना, जो इन्होंने बाइट बनाई, जो इन्होंने प्लेट बनाई हुई थी उसके अंदर जो नली थी ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि थी तो वो नली, खाने में जायका नली का ही आ रहा था, फ्लेवर भी नली का ही आ रहा था, लेकिन मैं इस वजह से कन्फ्यूज़ हो रहा था कि चूँकि बकरे के पाए हैं, बकरे की खल की इन्होंने लाल बोटी दी है, तो वो नली कहाँ से आई, तो इन्होंने नलियाँ अलग से रखी हुई हैं, वो बड़े गोश्त की नली इन्होंने अलग से रखी हुई है। अच्छा एक और चीज़ है, वो जो बोटी इन्होंने हमें दी थी ना, वो खद के साथ ही मिलती है, वो अलग से नहीं मिलती, वो आते रहिए मोहब्बत उन्होंने हमें बना के अलग से दे दी, और जो नलियाँ हैं वो आपको नली की अलग प्लेट मिलेगी, तो वो स्पेशल आपको खद की बोटी दे दी, खद लेनी पड़ेगी उसमें से वो बोटी निकालनी पड़ेगी, और फिर वो जो है नली की प्लेट लेनी पड़ेगी उसमें से वो नली निकालनी पड़ेगी, और पाया अलग से लेके आपको प्रॉपर एक बाइट बनानी पड़ेगी जो हमें आते हुए बना के दी थी, तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा लेकिन है बड़ी मज़ेदार यार। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपसे कब से होती है मुलाकात होती है, लाइव जाता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, सारी अपडेट करते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपसे मुलाकात करेंगे चल अगली वीडियो के अंदर, तब तक लिख दीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।